क्या दिया था कि इस सेगमेंट में हम हजरत से उन सवालात के बारे में गुफ्तगू करते हैं जिनके ज़रिए इस्लाम या पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुसलमानों के जहनों में शकों को शुबात पैदा किए जाते हैं। तो इस सेगमेंट के तहत बहुत से ऐसे सवालात पर गुफ्तगू हो चुकी है और आज भी उसी तरह का एक अहम सवाल हमारे पास आया है आप लोगों की तरफ से, वो हम हजरत से आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हजरत, ये हिंदू जो हैं ये हमारे मुसलमानों से एतराज़ करते हैं कि आप हम अगर किसी मूर्ति के आगे हम झुकें और मूर्ति की हम इबादत करें तो आप इसको शिर्क कहते हैं, जबकि खुद आप हज के मौके पे ख़ास तौर पर सा इतने लोग उसे बैतुल्ला के लिए जमा होते हैं जो कि गैरुल्ला है और उसके गिर चक्कर काटते हैं, उसके आगे झुकते हैं, आप अभी भी अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो उसी के लिए उसी की तरफ झुकेंगे, तो ये क्या ये सब कुछ उसी तरह से नहीं है जो हम करते हैं? तो हमारा गलत और आपका सही। नहीं, असल में ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि उनके मूर्ति को सजदा करने और हमारे बैतुल्ला की तरफ सजदा करने और तवाफ़ करने में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इसलिए कि हम ईंट और पत्थर के उस मकान को, उस कोठे को सजदा असल में नहीं करते, दरहकीकत अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को सजदा करते हैं। और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात चूँकि बहुत बड़ी है, वो उसको एक जगह पर समोया नहीं जा सकता, क्योंकि वो जहद से जो है वो आज़ाद है, वो मशी मगरिब शुमाल जनूब ऊपर नीचे हर तरफ फैली हुई है, तो उस एक ज़ात को मरकूज़ करके हम सजदा कर नहीं सकते। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपना लुत्फ़ व करम फरमाया हम पे कि अल्लाह ने अपनी ज़ात की तजल्ली उस मकान पे डाल दी जहाँ पर वो बैतुल्ला है, उस जगह पे अल्लाह अपनी ज़ात की तजल्ली डाल दी। तजल्ली कहते अक्स को, तो गोया कि अल्लाह की ज़ात और वो तजल्ली उसका अक्स है। और अक्स का ये उसूल होता है कि अक्स के अंदर आप जो है वो बड़ी से बड़ी चीज़ की तजल्ली अक्स के अंदर छोटी करके देख सकते हैं। चाहे एक आईना है, आप आईने के सामने खड़े हो जाएं तो आपकी ज़ात और आईने के अंदर आने वाला अक्स दोनों बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये याद रख के ज़ात और अक्स जो होता है उसमें आइनियत होती है, आइनियत होती है। लिहाजा आप आईने के सामने खड़े होकर हंसें तो वो अक्स भी हंसेगा, आप रोएं तो अक्स भी रोएगा, आप हरकत करें वो अक्स भी हरकत करेगा, क्योंकि दोनों में आइनियत है। हाँ, कुव्वत और ज़ौफ़ का फ़र्क है, क्योंकि जो असल ज़ात है, असल जो है वो कवि है, वो बहुत मुजस्सम है, जो आईने के अंदर आ रहा है वो ज़यीफ़ और लतीफ़ है, ठीक है, लेकिन है ऐनियत। तो बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला अपनी ज़ात का अक्स जो है उस बैतुल्ला की जगह पर जो है नाजिल कर दिया, तो जब हम उसको सजदा करते हैं तो पूरी की पूरी ज़ात उस आईने के अंदर जो है मरकूज़ हो जाती है। मसलन सूरज, जो सूरज कितना बड़ा है, अब इतना बड़ा सूरज जो है वो समोया नहीं जा सकता ज़मीन में, क्योंकि सैकड़ों ज़मीनें जो हैं वो सूरज के अंदर समा सकती हैं, इतना बड़ा सूरज, क्योंकि सूरज कुर्रा अर्ज में सबसे कुर्रा अर्ज से बहुत बड़ा है सूरज, तो ज़मीन में नहीं समा सकता। लेकिन अगर एक आईना रख दें, उस आईने में उसका अक्स आ रहा हो, तो उस अक्स के अंदर, आईने के अंदर आप पूरा सूरज देख सकते हैं और इतना देख सकते हैं कि उस असल में उस आईने वाले सूरज में इतनी आयनियत होती है कि आप आईने से आईने लगाते जाएँ तो एक अंधेरे कमरे में रोशनी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आतिशी शीशा लगा लें उसकी हरारत के ज़रिए से, इस शीशे वाले सूरज के ज़रिए से आप कागज़ को जला सकते हैं। तो क्योंकि दोनों में अहनियत है, हरारत उसमें भी है, हरारत इसमें भी है, लेकिन कुव्वत ज़ौफ़ का फ़र्क है कि असल की हरारत ज़्यादा है, इस आईने वाले की हरारत कम है, लेकिन है दोनों में अहनियत। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हम पर ये लुत्फ करम किया कि असल में तो अल्लाह की ज़ात का हमें तवाफ़ करना है, अल्लाह की ज़ात के सामने सजदा करना है, और ज़ात अल्लाह की दुनिया के अंदर किसी एक जगह मरकूज़ की नहीं जा सकती। तो अल्लाह ने ये बैतुल्लाह को बतौर आईने के उतार दिया, ये असल में एक आईना है, एक मिरर है, इस मिरर में अल्लाह ने अपनी ज़ात की तजल्ली डाल दी, उसके अंदर अल्लाह की ज़ात की तजल्ली मरकूज़ हो गई। अब हम जब सजदा करते तो असल में उस अल्लाह की ज़ात के अक्स को सजदा करते, तो उसको सजदा करना ऐसा है जैसे ऐन को सजदा करना, क्योंकि मैंने बताया कि वो अक्स जो है तो ज़ात का ऐन होता है, तो ऐन खुदा को सजदा हम कर रहे हैं। यही वजह है कि हम अगर बैतुल्ला के ऊपर खड़े हों तो भी सजदा करें तो सामने तो बैतुल्ला नहीं है, तो सजदा क्यों हो रहा है? या हम बेसमेंट के अंदर चले जाएँ तो बेसमेंट पर तीन तहें नीचे चले जाएँ सजदा करें तो भी सजदा हो जाता है, हालाँकि अगर मुहाजात में जाएँ तो बैतुल्ला तो ज़मीन के ऊपर है, हम नीचे सजदा क्यों हो जाता है? इसका मतलब है कि ये जो मकान है पत्थर का, ये कोई असल चीज़ नहीं है, ये तो एक आईना है कि जिसमें अल्लाह ने ज़ात का अक्स डाला, वरना सातों आसमान और सातों ज़मीनों तक जो है ये अल्लाह तबारक व ताला की तजल्ली डली हुई है, जिस तजल्ली को हम सजदा करते हैं। अब ये बात कि दुनिया में अल्लाह ने ये मकान पत्थर का क्यों बतौर आईने के उतारा, उसकी वजह यह है
कि असल में बैतुल्ला जो है वो हमारी मादी असल भी है, हमारी रूहानी असल भी है। चाहे ऊपर से जब चलते हैं तो ऊपर भी बैतुल्ला मौजूद है, नीचे भी, लेकिन वतन यानी ज़मीन और आसमान के फ़र्क की वजह से कि आसमानों में लताफत है, ज़मीन में कसाफत है, तो वहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने मकान को लतीफ़ बनाया है, क्योंकि ऊपर बैतुल मामूर भी है आसमानी दुनिया पर, और ये तजल्ली ऊपर चली जाती है अल्लाह के अर्श तक पहुँचती है तो वहाँ नूर महज हो जाती है, वहाँ नूर महज हो जाती है, वहाँ पर कोई मकान नहीं है। लेकिन जैसे आसमान से नीचे उतरती है तो ज़मीन चूँकि कसीफ़ चीज़ है या मादियत है, कसाफत है, जवाहर है, तो अल्लाह ने मकान एक जौहर की शक्ल में यहाँ उतारा। हमारी मादी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ अगर नूर महज की शक्ल मकान होता तो हम सजदा करने के लिए हमें फिर भी कोई मरकज़ ना मिलता, हम कहाँ सजदा करें। इस वजह से अल्लाह ने ज़मीन में एक ईंट पत्थर का मकान उतारा, क्योंकि यहाँ हमारे लिए जो है वो महसूस चीज़ एक ईंट पत्थर ही हो सकती थी, इसलिए हम चूँकि ख़ुद कसीफ़ हैं लिहाजा एक कसीफ़ मकान शक्ल में हमें दिखा दिया, वरना यही आना आईना जमाल खुदावंदी ऊपर भी है लेकिन वहाँ वो इस शक्ल में नहीं है, वहाँ लतीफ़ है, क्योंकि वहाँ लतीफ़ मखलूक आबाद है, नूरानी फरिश्ते, तो वहाँ लतीफ़ मखलूक चूँकि नूरानी आबाद हैं लिहाजा मकान भी नूरानी, या हम जिस्मानी खाकी आबाद हैं खाक के बने में तो मकान भी खाक का बना हुआ ईंट पत्थर का, इसलिए अल्लाह ने वो उसको अपना आईना बनाया। तो असल में सजदा उस अल्लाह की ज़ात की तजल्ली को है, वो असल में मकान को नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा शुबा है जिससे इंसान बहुत ज़बरदस्त ये तो हम